हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफरतों का राज जो है खत्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए। अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ दें। परसों जो 5 MLA LG नॉमिनेट कर रहा है, तो क्या लगता है उसे चैलेंज है आपसे? देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कर नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते। ये हक है हुकूमत का, जो हुकूमत आएगी वो नॉमिनेट करती है। अगर ने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी इस प्ली को सुनेंगे और हमें इंसाफ देंगे। सर, लोगों ने भारी मतदान देके नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद किया है, तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहां बेरोजगारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहां इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायद आजम कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनके जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं।